हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचला आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SRTC लीगल हेल्प हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने GST में नया नया अभी रजिस्ट्रेशन किया है तो यहां पर आपको 45 दिन के अंदर अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल्स को डालना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप 45 दिन के अंदर अंदर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं डालते हैं तो देखिए आपका जो ये GST नंबर है वो कैंसिल किया जा सकता है, प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन नंबर में भी कैंसिल्ड। पर आप कौन सा बैंक अकाउंट डाल सकते हैं, यहाँ पर आप अपने पैन नंबर से, जिस पैन नंबर पर ये आपने GST नंबर लिया है, तो यहाँ पर अगर आपने खुद के पैन नंबर पर लिया है तो आप अपने पैन नंबर से लिंक्ड जो भी बैंक अकाउंट है, मतलब आपका कोई भी सेविंग अकाउंट है, आप उसकी भी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर आपने फर्म का GST नंबर पर करंट अकाउंट ओपन करवा लिया है या करवाने वाले हैं तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल आपको जल्दी से जल्दी डालनी है, तो आज इसके बारे में ही हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलिए देखते हैं। आपको GST की साइट ओपन करनी है, gst.gov.in। यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और यहाँ पर आपको कैप्चा एंटर करना है। जैसे आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे आपके सामने ये मैसेज शो होगा। तो देखिए आपको बैंक अकाउंट की डिटेल डालने के लिए यहाँ फाइल अमेंडमेंट पर क्लिक करना है। अब देखिए फाइल अमेंडमेंट पर क्लिक करते ही आपके सामने ये टैब ओपन होगा। यहाँ देखिए आपकी जो बिजनेस की डिटेल्स है वो सारी शो हो रही है, बट हमें इनमें से किसी भी चीज को चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ बैंक अकाउंट को चेंज करना है। तो देखिए बैंक अकाउंट वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। अब ये देखिए टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स मेंटेन्ड, अब यहाँ पर आपको 1 एंटर करना है। और देखिए 1 पर एंटर करते ही यहाँ ऐड न्यू का ऑप्शन आ गया है, तो आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए ऐड न्यू पर क्लिक करते ही ये आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल मांग रहा है। तो अगर आपका यहाँ पर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट की डिटेल, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट की, यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, टाइप ऑफ अकाउंट देखिए करंट, सेविंग, कैश, क्रेडिट, या फिर इन तीनों के अलावा कोई भी है तो अदर्स, बैंक का आपको IFSC कोड डालना है। तो देखिए मैंने सारी डिटेल डाल दी है। डिटेल डालने के बाद आपको गेट एड्रेस पर क्लिक करना है, जिससे कि जिस भी आप बैंक ब्रांच का IFSC कोड डाल रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर शो हो जाएगा, वो आपको अच्छे से मैच करना है। देखिए यहाँ पर हमारा एड्रेस शो हो गया है। अब आपको यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो देखिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, अगर आपके पास बैंक की पासबुक है तो उसका फर्स्ट पेज, बैंक की स्टेटमेंट हो गई, या फिर कैंसिल चेक हैविंग नेम ऑफ टैक्स पेयर, तो इनमें से तीनों में से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो यहाँ पर आपको अटैच करना है। यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक है तो ये हम अटैच कर रहे हैं। आपको जब अटैचमेंट करनी है तो ये बात ध्यान रखनी है कि वो PDF या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए और मैक्सिमम साइज जो है फाइल का 1 MB होना चाहिए। अब आप अटैच कर दीजिए। अब देखिए सेव एंड कंटिन्यू करते ही यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल शो होंगी, ये आपको अच्छे से वेरीफाई करनी है। अगर आपको लगता है आपने कहीं गड़बड़ कर दी है तो आप एडिट करके उसे चेंज भी कर सकते हैं, देन आपको कंटिन्यू करना है। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन, ये आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर देखिए आपसे वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, तो आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक करना है, नेट्री सिलेक्ट करना है, आप प्लेस डालना है, देन सबमिट विद EVC करना है, पर आपको OTP एंटर करना है जो कि आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल ID पर गया होगा, देन वैलिडेट OTP करना। सक्सेसफुली आपकी यहाँ पर डिटेल सबमिट हो चुकी है, बैंक अकाउंट की डिटेल हम सारी डाल चुके हैं। तो इस आसान प्रोसेस से आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डाल सकते हैं और अपने GST रजिस्ट्रेशन को कैंसिल होने से बचा सकते हैं। और अगर आपको यह जानना है कि GST का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, उसके लिए भी हमने वीडियो डाली हुई है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आई GST रजिस्ट्रेशन, GST के रिटर्न के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम लेटेस्ट टाइम टू टाइम अपडेट्स डालते रहते हैं ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी कंप्लाइंस की प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अब हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।